हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अंदर। आपके लव लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है, क्या चीजें पॉजिटिव होंगी, क्या कुछ होगा आपके लव लाइफ में नेक्स्ट 2 डेज में। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में 2 डेज के अंदर अंदर, आपको गाइड करेंगे कि ये होने वाले हैं। जो भी चीजें होंगी वो एंजल्स की गाइडेंस में, तो प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द लवर्स, शाबाश। और क्या एनर्जी है एंजल्स? मून, 8 ऑफ कॉइन्स, द सन, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं लेने वाली थी सिर्फ 3 to 4 कार्ड्स और यहां पर काफी सारे कार्ड्स आ गए। बॉटम से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो वी हैव ट्रिपल टाइम्स 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में अगर कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, आपके पार्टनर के ऊपर शनि की 7.5 ढाई वर्ष का समय, या आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर्मा फेस करने की एनर्जी है। यहाँ पे 8-8 की वाइब्रेशन है, 888 की। तो ये जो सिचुएशन है इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी जो ड्रेन हो रही है काफी टाइम से, उस सिचुएशन से ये निकल जाएंगे बाहर, उस सिचुएशन को ये अपने लाइफ से आउट करेंगे, बाहर करेंगे। आपके पार्टनर के लाइफ में कोई एंजाइटी का जो पीरियड है वो एंड होगा। आपको लेकर आने वाले 2 डेज में ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं और आपकी तरफ यू टर्न मार सकते हैं, रिटर्न आ सकते हैं। क्लियर वे में नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि लकी वंस को तो अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट तक मिलने वाला है, एंड इवन यहाँ पर कुछ लोगों को एक क्लियर कम्युनिकेशन जो आप दोनों को फिर से रीयूनाइट कर दे बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये भी लकी वंस के लाइफ में 2 डेज के अंदर अंदर रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। पॉसिबल है कि यूनियन हो जाए डिवाइन की गाइडेंस में आपका, और आपके पार्टनर अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपसे बहुत ही ज्यादा इमोशनल वे में कनेक्ट करते हुए आपसे बया करें। ये भी एनर्जी, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो किंग ऑफ कप्स वाली होगी, टेंशन वाली रहेगी, आपके साथ इस रिश्ते को लेकर जेन्युइन एफर्ट्स वाली रहने वाली है। ठीक है, तो लकी वंस को कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे, यूनियन भी पॉसिबल है यहाँ पे आने वाले टाइम में। देखिए, बहुत लोग देखते हैं, मेरी तो विश यही है कि सभी का रीयूनियन हो जाए जो भी सेपरेशन में है, लेकिन इट डिपेंड्स कि किसके लाइफ में रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि सबका डिवाइन टाइमिंग अलग होता है, सबके कर्माज अलग होते हैं, उसका टाइम फ्रेम अलग होता है और सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। तो यहां पर 2 डेज के अंदर लकी वंस रीयूनाइट होंगे अपने पार्टनर के साथ में। कुछ लोगों के पार्टनर किसी हैवी कार्मिक सिचुएशन को, बैगेज को रिलीज करेंगे और अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। आपको ऐसा भी नजर आ सकता है कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे थे, एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे इस रिश्ते में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले टाइम में आपको समय दें और इस रिश्ते के लिए जेन्युइन एफर्ट्स लगाएं, स्टैंड लें। ठीक है, मतलब आपको टाइम भी दें, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएं, और लकी वंस वो कमिटमेंट प्रॉपर न्यू बिगिनिंग के साथ नजर आ रही है। क्या कैसी होगी ये न्यू बिगिनिंग, कैसा कमिटमेंट, एंजल्स जरा गाइड करिए। ये जो कमिटमेंट है ये रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है, किस रूप में, मैरिज वे में, ट्रेडिशनल वे में। पॉसिबल है कि ये ट्रेडिशनल वे में मैरिज कमिटमेंट आपको दे दें, एक बहुत टाइम के डीप रियलाइजेशन के बाद में कोई बोझ है जिसको ये हल्का करें। देखिए, यहां पर भी 2 ऑफ कप्स आ गया, मतलब यूनियन की वाइब्रेशन आ रही है रीडिंग में बार बार नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में किसका यूनियन हुआ है। पार्टनर से शादी की कमिटमेंट मिल सकती है, रीयूनियन दिख रहा है यहाँ पे, मैरिज के नाम पर कमिटमेंट रिजोल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, और यहां पर जो भी बैरियर्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनसे रिलीज होते हुए आपके लिए इस रिश्ते में एफर्ट्स के साथ में जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर आने वाले 2 डेज के अंदर अंदर। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।